क्या आपने सोचा है कि हमारे पृथ्वी का कितना वजन होगा? और क्या आपको पता है कि एक हवाई जहाज कितना माइलेज देती है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारतीय रेलवे को एक यात्री पर टोटल कितना खर्च आता है? इस वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने वाले हो, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि नाइक ने एक ऐसा जूता बनाया था जो कि इतना एडवांस था कि उसे ओलंपिक गेम से बैन कर दिया गया। गेम्स में जो डोपिंग होते हैं, मतलब अगर कोई ओलंपिक खेलते टाइम कोई प्लेयर अगर कोई स्पेशल सप्लीमेंट या इंजेक्शन लेकर अपना परफॉर्मेंस दे तो उसे विनर नहीं माना जाता, भले ही वह जीत ही क्यों न गया हो। इसको डोपिंग कहते हैं। तो ये नाइक का जूता इतना एडवांस था कि इसको टेक्नोलॉजिकल डोपिंग में कंसीडर किया गया। एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि नाइक के इस जूते में ऐसा मैकेनिज्म है जिससे प्लेयर और ज्यादा तेजी से दौड़ पाते हैं। उस जूते से उन्हें जो एनर्जी रिटर्न मिलती है वो बहुत ज्यादा होता है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इन्हेंसमेंट था जिस वजह से इस जूते को बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 8, आप सब ने कभी न कभी ट्रेन में सफर जरूर किया होगा और ये भी नोटिस किया होगा कि ट्रेन का किराया दूसरे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के किराए से बहुत कम होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअल में रेलवे को एक यात्री पर कितना खर्च आता होगा? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे को एक यात्री पर एक किलोमीटर के लिए सिर्फ 1 रुपए और 16 पैसे का खर्च आता है, लेकिन भारतीय रेलवे हमसे एक किलोमीटर के लिए सिर्फ 48 पैसे ही चार्ज करती है। फैक्ट नंबर 7, एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, आप लोगों को सुनना चाहिए। क्या है कि पहले के टाइम पे जो घर होते थे, मान लो उसमें आग लग गई तो पहले के टाइम पे घर को पूरी तरह जलने में लगभग 17 मिनट का समय लगता था, पर अभी के टाइम पे अगर घर में आग लगी है और फायर ब्रिगेड ना आए तो 3 से 4 मिनट में ही घर पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के टाइम पे घरों में सिर्फ नेचुरल चीजें ही होती थी जो कि देरी से जलती थी। वहीं अभी के टाइम पे घरों में मैक्सिमम चीजें सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक से बनी होती है जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि आटे से बनी रोटी को इंग्लिश में चपाती कहते हैं और मैदे से बनी रोटी को इंग्लिश में टॉर्टिला कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, अब बात करते हैं कि एक हवाई जहाज आखिर कितना माइलेज देती है। तो अगर हम एक बोइंग 747 की बात करें जो कि 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है, तो ये बोइंग 747 एक सेकंड में 4 लीटर फ्यूल की खपत करता है। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों ने दवाइयों के ऊपर इस तरह की लाल पट्टी तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दवाइयों के ऊपर इस लाल रंग के पट्टी का क्या मतलब होता है? इन स्ट्रिप्स का मतलब होता है कि इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के परमिशन के आप नहीं यूज कर सकते। इवन अगर आप किसी मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाई को लेने भी जाएंगे तो वो बिना डॉक्टर के परमिशन के आपको दवाई बेच ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 3, RBI के द्वारा हाल ही में जारी किए गए डेटा के अनुसार 2 रुपए के नोट को छापने में सिर्फ 3 रुपए 54 पैसे लगते हैं और 500 रुपए के नोट को छापने में 2 रुपए 94 पैसे लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप सबने बचपन में पेंसिल से तो लिखा ही होगा, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पेंसिल को लो और उससे सीधा लाइन खींचते जाओ तो जब तक वो पेंसिल खत्म होगा तब तक 56 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो चुका होगा। फैक्ट नंबर 1, अब आते हैं अपने फाइनल सवाल पे कि आखिर हमारे पृथ्वी का टोटल वजन कितना है। तो देखो, साइंटिस्ट के द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार पृथ्वी का वजन इतना है। ये जो आप अपने स्क्रीन पे नंबर्स देख रहे हो, इतना केजी वजन है हमारी पृथ्वी का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहें पैरेलल फैक्ट।